मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता ज्योतिराज सिंधिया ने मध्य प्रदेश किसानों हेतु की ये बड़ी मांग। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे टीम न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के भाजपा के दिग्गज नेता ज्योतिराज सिंधिया द्वारा की गई किसानों हेतु बड़ी मांग के विषय में। क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों चंदेरी तहसील के 4 गाँव के किसान लंबे समय से अपने गाँवों से होकर गुजरने वाली खुली नहर का विरोध कर रहे थे। ये किसान खुली नहर की जगह अंडरग्राउंड नहर की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। उनकी इस मांग के समर्थन में राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया ने मध्य प्रदेश जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को पत्र लिखकर किसानों की मांग पर विचार करने को कहा है। किसानों ने सिंधिया को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। ज्योतिराज सिंधिया ने 4 गाँवों के किसानों की मांग के बाद यह पत्र जल संसाधन मंत्री को लिखा है। उल्लेखनीय है कि चंदेरी तहसील के कुरावर मुरादपुर खानपुर और चख खानपुर के किसानों अपने खेतों से निकलने वाली खुली नहर का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व से तय दस्तावेजों में खुली नहर का कोई प्रस्ताव नहीं था, साथ ही खुली नहर किसानों के हित में नहीं है, इसलिए किसान अंडरग्राउंड नहर की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। किसानों की मांग को जल संसाधन मंत्री के लिए प्रेषित करने पर चारों गाँवों के किसानों ने ज्योतिराज सिंधिया का आभार व्यक्त किया है।